दोस्तों नमस्कार, मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं आशीष सुमन। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी अभी जो दो दिन पहले जो बयान दिया था कि भाई लोकमान्य तिलक ने शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ निकाली थी, ये सरासर गलत है। इसके पहले हमें लोकमान्य तिलक पर जो स्टेटमेंट देने के पहले हमें महात्मा फुले को समझना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा फुले ने वो सर्च किया था, ढूंढ निकाला था शिवाजी, उनमें जो यानी उत्कंठा थी शिवाजी महाराज के प्रति, शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने पढ़ा और उनका इतिहास पढ़ा और फिर उनकी जानने की जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा बढ़ गई फिर, और वो फिर समाधि ढूंढने के लिए निकल गए थे। और उन्होंने सबसे पहले, महात्मा फुले ने सबसे पहले शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ ली थी और वहां से शिवाजी महाराज का फिर उत्कर्ष यानी उनका उनका जो इतिहास है वहां से फिर फलने फूलने लगा और वहां से उनके इतिहास की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, महात्मा फुले को समझ लेना पहले बहुत अनिवार्य है। महात्मा फुले का जन्म पुणे में हुआ, 1827 में पुणे में महात्मा फुले का जन्म हुआ। और जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस देश पर आक्रमण किया था और 1818 में जो दूसरा बाजीराव पेशवा, इसको हराकर अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत जमा ली थी और पेशवाई को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, यानी ब्राह्मणशाही पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। और उसके बाद में फिर यहाँ पर इस देश में विकास कार्य और शिक्षा के कार्य पर अंग्रेजों ने जोर दिया था। जनरल मेकाले के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इस देश में स्कूल और कॉलेज ओपन किए थे और उसका बेनिफिट महात्मा फुले ने लिया था। महज 7 साल के थे महात्मा फुले, तब उन्होंने स्कूलों में जाकर पढ़ना शुरू किया और 1825 में उन्होंने स्कूल में जाना शुरू किया और 1841 में जो मिशनरी स्कूल थे क्रिश्चियन लोगों के, वो मिशनरी स्कूल में उन्होंने पढ़ा और 1847 में उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में महात्मा फुले की पढ़ाई हो गई थी। और सौभाग्य की बात यह है कि महात्मा फुले ने 1848 में सबसे पहले स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए अब एक स्कूल ओपन की पुणे में, पहली स्कूल है वो पुणे में जो लड़कियों के लिए उन्होंने खोल दिया और वहाँ पर वो सावित्रीबाई फुले पढ़ा रही थी, पढ़ाना उन्होंने शुरू किया था सावित्रीबाई फुले ने, यानी ये बहुत बड़ी क्रांति थी जहाँ ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित रखा था बहुधन समाज को, सिर्फ पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं को तो उन्होंने इतना वंचित कर दिया था, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की, उन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए जो स्कूल ओपन किया और वहां एक बहुत बड़ी क्रांति थी। उनका कहना था कि अगर से लड़कियां पढ़ लिख कर पढ़ती है तो वो समाज में एक नई जागृति लाती, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए एक स्कूल ओपन किया और वहां पर सावित्रीबाई फुले पढ़ा रही थी एज अ टीचर। उनका कहना था कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, सामाजिक और राजकीय क्रांति का एक प्रभावी अस्त्र है। महात्मा फुले कहते थे कि भाई शिक्षा जो है ये सामाजिक और राजकीय क्रांति का एक प्रभावी अस्त्र है, इसलिए उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल ओपन किया और वहां से एक क्रांति की शुरुआत हो गई। 1851 में उन्होंने अस्पृश्य के लिए स्कूल ओपन किया, शोषित पीड़ित समाज के लिए उन्होंने स्कूल ओपन किया 1851। कितना बड़ा महान कार्य किया महात्मा फुले।
13 सितंबर 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज का गठन किया और वहां से एक शुरुआत हो गई। कहां कहां जाने ये मिलता है कि भाई जो ब्राह्मणों के खिलाफ वो लड़ रहे थे, ब्राह्मण शाही के खिलाफ वो लड़ रहे थे और वो ढूंढ रहे थे कहां कहां से हमें कुछ मिलता है। तो ऐसे में शिवाजी महाराज का फिर जिक्र हुआ, शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने जिज्ञासा हुई, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा और तब जाके उन्होंने फिर वो समाधि वगैरह ढूंढ निकाली। और 1873 में उन्होंने गुलामगिरी, ब्राह्मणाचे कसब, जाति भेद विवेक सार ऐसे ग्रंथ लिखे और मराठी में ग्रंथ लिखे और उसे प्रकाशित किया। अंग्रेजों को उन्होंने बोला था प्रकाशित करने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया हो तो उन्होंने स्वयं ही वो प्रकाशित किए, गुलामगिरी, ब्राह्मणाचे कसब, जाति भेद विवेक सार। तो ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा बड़ा हमला और प्रहार किया है महात्मा, ब्राह्मण शाही पर सबसे ज्यादा बड़ा हमला महात्मा फुले ने किया था। और यही बात, यही जो कसक थी वो लोकमान्य तिलक को मंजूर नहीं थी, इसलिए वो लोकमान्य तिलक महात्मा फुले का विरोध करते थे, उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे, उन्हें अपना दुश्मन समझते थे, यानी ब्राह्मण धर्म का दुश्मन समझते थे। ये तीन ग्रंथ उन्होंने जो ब्राह्मणों के खिलाफ थे, गुलामगिरी, ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने लिखे, गुलामगिरी, ब्राह्मणाचे कसब, जाति भेद विवेक सार, ये जो ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किए और फिर चारों तरफ ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया, ब्राह्मण शाही के खिलाफ उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया। और फिर शोषित पीड़ित समाज को, बहुजन समाज को अंधकार से निकालने की कोशिश, अंधविश्वास से निकालने की कोशिश की उन्होंने, और इसी वजह से लोकमान्य तिलक उनको फूटी आंख नहीं सुहाते, यही कारण था। उन्होंने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह ओपन किया था विधवाओं के लिए, जो विधवाएं थी और जो विधवाएं वहां पर रहती थी, तो वहां पर एक विधवा रहती थी काशीबाई नामक एक विधवा रहती थी। उसको 1865 में एक लड़का, एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटे को उसने जन्म दिया काशीबाई ने। उस बेटे को महात्मा फुले ने एडॉप्ट किया, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को कोई भी बच्चा नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था, तो उन्होंने उसको एडॉप्ट किया और उसका नाम था यशवंत राव, उसका नाम यशवंत राव था। तो ये महात्मा फुले वास्तव में इतने उदारवादी थे, वास्तव में महात्मा, उन्होंने एक विधवा बाई के पुत्र को अपना एडॉप्ट किया और उसे अपना पुत्र माना, यशवंतराव उसका नाम था, इसलिए वो महान थे, इसलिए उन्हें महात्मा कहा जाता है, इतने बड़े उदारवादी स्वभाव के महात्मा फुले थे। और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के उद्धार के, और यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा फुले को अपना गुरु माना, यही कारण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु उनको माना। महात्मा फुले का मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुआ। और ये कोइंसिडेंस देखिए, बहुत ही कोइंसिडेंस देखिए कि महात्मा फुले का जो मृत्यु है, उनका जो निधन है, वो 28 नवंबर 1890 में हुआ और 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। ये बहुत ही, यानी ये कोइंसिडेंस समझ लीजिए। महात्मा फुले जाने के बाद सिर्फ ये 5-6 माह का फर्क है बाबा साहब का जन्म, 14 अप्रैल 1891। तो महात्मा फुले ने जो गुमराह किया जा रहा है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो गुमराह कर रहे हैं कि लोकमान्य तिलक ने शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ ली थी, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुजन समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा फुले ने शिवाजी महाराज के प्रति जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को लेकर
उन्होंने ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचे और उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ ली। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।